मैं अमित कश्यप आज आपको ले करके आया हूँ गोरखपुर से 28 किलोमीटर दूरी पर बढ़ईपुरवा में। यहाँ पे आपको मिलाएंगे मिलिट्री के रिटायर्ड जवान से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राम वृक्ष सोना राम मूरत। मेरा टोटल 9 यानी 9 महीने के 23/9/67 में मैं बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप में OWE यानी वायरलेस ऑपरेटर इंजीनियर के हैसियत से रिक्रूटमेंट हुआ, भर्ती हुआ। तो आपने मिलिट्री जैसे ज्वाइन किया तो आपने क्या मिलिट्री में आपका जो काम था? गई 28 दिन, फिर मैं पुणे पहुँच गया और उसके बाद फिर मेरी अगला ट्रेनिंग इंजीनियर का जो होता है फायरिंग से लेकर के शपथ ग्रहण करवाई और मैं उस शपथ को लिया। मैं भारत का निवासी हूँ, मैं सच्चे दिल से भारत की जनता की सेवा करूँगा और कोई देश के लिए गद्दारी नहीं करूँगा, चाहे मेरी जिंदगी खत्म क्यों न हो जाए। तब से मैं सिपाही बना, उसके बाद मैं लेस नायक बना, उसके बाद मैं नायक बना फौज में, उसके बाद एक हौलदार बना और उसके बाद मेरी मेहनत का इतने स्टेज क्रॉस करने के बाद मुझे JCO कोर्स करने के लिए भेजा गया और मैं उसमें पास हो गया और मैं 89 में JCO बना। तो जैसे जब मिलिट्री में आप थे तो कोई लड़ाई हुई थी? हाँ, मेरी पहली पोस्टिंग जब मैं ट्रेनिंग पास हुआ तो मैं लखनऊ रॉबर्ट लाइन में आया, EMC सेंटर के पास है। वहाँ से 69 में मैं नागालैंड में मेरी पोस्टिंग हो गई हेड माउंटेन ड्यू में। उस जूनियर रेजिमेंट जो बॉम्बे इंजीनियर की मानी हुई रेजिमेंट है वो वहाँ पर पोस्टेड हुई। उनके साथ मैं नागालैंड में गया और वहाँ पर रहा और 70 में मुझे
ये जो चल रही थी इनका मुक्ति वाहिनी का बांग्लादेश की, उसमें मुझे कुछ दिन सिविल ड्रेस में काम करने का मौका मिला। दिन को सिविल ड्रेस, रात को अपने ऑन ड्यूटी पे। उसके बाद जब 71 के बार में 12वें महीने में 12 तारीख को लड़ाई डिक्लेयर हो गई, तो हम अपने इंडिया का जो लास्ट स्टेशन है बधाई ग्राम, वहाँ से अगर तल्ला होते हुए और मैं ढाका जाना था, तो वहीं कैलाश शहर है, मौली बाजार है, चटगांव है, बांग्लादेश का बहुत बड़ा बंदरगाह है। वहाँ पर बीच में एक नदी मिलती है, सुरमा नदी, उस पर मैं इंजीनियर के नाते लोहे का पुल बनाया और उससे मेरी सारी टंकी तैयार हुई। और सुरमा नदी इतनी उपनाती नदी है कि वो उसमें गिर जाए आदमी तो बच नहीं सकता। समय शुरू हो गया और मैं लड़ाई कर रहा। उसके बाद जब सीज़ फायर हो गया तो फिर हम लड़ाई जब आप ख़त्म होती थी, उसके बाद संतुष्टि के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, लड़ाई तो संतुष्टि है, लेकिन जिस समय में लड़ाई था, उस समय का जो हमारा कमांडर है, पूर्वी कमांडर था, वो जनरल जी था, तो पाकिस्तान का जनरल था, जनरल नियाजी था, अपने में मिलाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश। इसलिए हमको बड़ी खुशी है कि उनको जीत करके उनको वापस कर दिया गया, वहाँ की सरकार बन गई और अभी तक चल रही है। उसके बाद तो मैं आपने पूरा समय जो मिलिट्री में नौकरी किया वो कितने समय का था? मैं समय तो उसका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रमोशन के ऊपर है। सिपाही की ड्यूटी 15 साल होती थी उस समय, नाइट की 18 साल होती थी, हौलदार की 20 साल होती है, लेकिन इस समय नाइट की ड्यूटी 18 हो गई, सिपाही की ड्यूटी 18 हो गई, क्योंकि उस समय 15 साल में सिपाही की ड्यूटी 4 होता था। और उस समय जो हम भर्ती होते थे तो लास्ट हमारा प्रमोशन सूबेदार में जो करता उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। हम रोज भाई भाई के हैं, चाचा चाचा के हैं, हम पड़ोसी हैं और वो हमारे को सर पर डंडा पीटता रहे तो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त तब तक करो जब तक क्षमा करने लायक हो, लेकिन सर से ऊपर पानी बह जाए तो उसको बर्दाश्त मत करो। हमारे को बहुत बड़ा अफसोस है समय जो 2-3 साल से
जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा या पुंछ या बारामूला या है जितने हैं सेक्टर आ रहे भाई आ रहे हैं। मैं रिटायर्ड जरूर हूँ लेकिन कभी कभी दिल में मेरे ये उम्मीद चाहता है कि मैं इसी सिविल डेथ से तोड़ जवाब देने के लिए मैं सिविल डेथ पर पहुँच जाऊँ। अखलूर होते आ रहे आ रहे ऊंचा मंडी है लास्ट हमारा जहाँ से उनका स्टाफ टाइम आ रहा हूँ क्रॉस किया था। एक सिपाही ने मडियाला ब्रिज है सब सेक्टर में इंजीनियर का है दो सिपाहियों ने उनके साथ टैंक पार हो गए और अगला टैंक आ रहे थे तब तक अपना ब्रिज उड़ा दिया वही शहीद हो गए सिपाही थे दोनों। भारत के लिए सिपाहियों ने जान देते हैं तो सिपाहियों के बारे में सोचना मुझे बहुत बड़ा अफसोस होता है जब मैं न्यूज़ सुनता हूँ मोबाइल से और इधर से कि आज कुपवाड़ा में हो गया आज उधर बारामूला में हो गया आज अखनूर सेक्टर में हो गया आज तो मैं बहुत अफसोस जिस एरिया में मैं ड्यूटी किया हूँ तो बहुत बड़ा अफसोस होता है जब मैं 72 साल का उम्र हो गई है 70-72 लेकिन फिर भी हिम्मत रखता हूँ कि मेरा टाइगर अब ऑपरेशन जो है अभी तक मैं 1000 मीटर तक देता हूँ मैं चश्मा सही नहीं लगा है कि 60 साल के बाद फिर उसको भोज बनाते हैं क्योंकि मुझे पता है जो राजकरण ब्रिज चेनाव क्रॉस करके अखनूर है अखनूर के बाद सारे रास्ते पत्नियाँ पत्नियाँ जितने हैं लास्ट हमारा पूजा मंदिर वो चीज़ देखा उधमपुर देखा या चाहे इधर देखा इधर आपके राजस्थान में गंगानगर सुंदरगढ़ बीकानेर जो बॉर्डर है है कि देश के लिए आज ये 24